नमस्कार, मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। 5 अक्टूबर को एक कैंटर नोएडा ओप्पो कंपनी के साथ करोड़ के मोबाइल लोडकर नोएडा से बेंगलुरु के लिए निकला था। उसी समय करीब 10:30 बजे जब चालक कैंटर लेकर ग्वालियर बाईपास पहुंचा, तो वहां खड़े दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे लिफ्ट मांगी और ड्राइवर द्वारा दोनों व्यक्तियों को गाड़ी में बैठा लिया गया और बेंगलुरु की तरफ से चल दिया। चालक ने जैसे ही बबीना टोल क्रॉस पर मध्य प्रदेश बॉर्डर पहुंचा तो गाड़ी में बैठ गए। व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी से उतरने की बात कहकर कैंटर को रुकवा दिया और कैंटर चालक के साथ मारपीट कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल से भरे कैंटर गाड़ी को लूट लिए गए, जिसका मुकदमा कंपनी के मैनेजर सचिन मानव, जो कि दिल्ली द्वारा मुकदमा फरह थाने में लूट की धाराओं में दर्ज कराया गया था, जिसका आज फरह पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के खुलासा की पूरी जानकारी SSP मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर को द्वारा बताया गया। अभी 1702 मोबाइल जिसकी कीमत 1,70,20,000 की है, जिसमें प्रयुक्त दो गाड़ियां बरामद प्रेस वार्ता में दी गई। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 5 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि नोएडा से बेंगलोर के लिए चला था, जिसमें ओप्पो के मोबाइल भरे हुए थे, उसके साथ एक लूट की घटना हुई थी। ये घटना मथुरा से शुरू होकर के झांसी या ललितपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाकर के उसके ड्राइवर को कुछ दिनों बाद फेंका गया था। इसका मुकदमा थाना फरह में पंजीकृत हुआ था। ये एक बहुत ही सेंसेशनल और बड़ी घटना थी, जिस पर लगातार मथुरा पुलिस और STF नोएडा यूनिट की कई टीमें एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। आज इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये घटना टोटल 6 लोगों द्वारा कारित की गई थी, जिनमें से 3 कारित करने वाले राहुल, शाहिद व अजरुद्दीन आज अरेस्ट हुए हैं और इनके साथ 2 लोग और, जिनके द्वारा इन मोबाइल्स को आगे डिस्पोज ऑफ करने में, अपने डिस्काउंट पे इनको बेचने में और शेयर लेने में, समीर और अजमत, ये भी अरेस्ट हुए हैं। इससे पूर्व में 8 व्यक्तियों को पहले इस घटना से संबंधित मोबाइल रिकवरी के साथ जेल भेजा गया है। अब तक की कुल रिकवरी 1702 मोबाइल की हमारे पास हो चुकी है, जिसकी जो मार्केट कीमत है वो 1,70,20,000 रुपए की है। इसके साथ साथ इस घटना में जो 2 गाड़ियां प्रयोग में आई हैं, i20 और किया की जो गाड़ी है, वो भी इसमें बरामद हुई है। इस घटना को कारित करने वाले अन्य जो लोग हैं, उनकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है, उनके लिए लगातार टीम्स लगी हुई हैं और बाकी जो मोबाइल्स अभी रिकवरी के लिए शेष हैं, उनके लिए भी टीम्स लगी हुई हैं। बहुत जल्द और बड़ी रिकवरी इस घटना में की जाएगी, परंतु इस क्षेत्र की ये बहुत बड़ी घटना, जिसको कि मथुरा पुलिस और नोएडा यूनिट की STF द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके ये सफलता की गई है, इसके लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम घोषित करता हूँ। टोटल कितने रुपये की लूट हुई थी? देखिए, ये जो टोटल जो घटना में जो मोबाइल गए थे, उसके बारे में कंपनी द्वारा 8,990 जो मोबाइल है उसकी उसका लिखवाया गया, डिटेल दी गई है और इसी लाइन पर चलते हुए आगे भी रिकवरी इसमें होने की संभावना। किस तरीके से ये घटना? बेसिकली यहाँ पर मथुरा के बॉर्डर पर 2 लोग सवारी के रूप में ट्रक में बैठे थे, ये कहकर कि उनको भी बेंगलोर जाना है। आगे जाकर इनके द्वारा ड्राइवर को ओवरपावर किया गया था, उसको चोटिल करके बेहोश कर दिया गया था। फिर इनके द्वारा अपने बाकी साथियों को बुलाया गया था। ये ट्रक और माल लेकर के तीसरी जगह पर गए थे, जहां पर इनके द्वारा बंटवारा किया गया और फिर मोबाइल आगे बेचने के लिए डीलर्स को बुलाया गया, उनके माध्यम से ये मोबाइल बेचे जा रहे थे। तो घटना करने वाले 6 लोगों में से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी मोबाइल को अन्य जगह पर बेचने, शेयर पर बेचने के जो हैं, उनमें से जो 10 लोग जो हैं वो टोटल अरेस्ट हो चुके हैं। आगे भी और लोगों की अरेस्टिंग इसमें की जाएगी।